हेलो एवरीवन, आज हम बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आए हैं। एक तो ये बसेस वाला क्वेश्चन देख रहे हो आप, और फिर एक बुलेट वाला क्वेश्चन, ये देखिए थर्ड फोर्थ। तो मैं चार क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट करवाने वाला हूँ आपको। इन्हें हम बसेस क्वेश्चन या बस टर्मिनल क्वेश्चंस या बुलेट वाले क्वेश्चंस, जो गोली चलती है उसकी साउंड जो होती है, उसकी स्पीड होती है, कुछ ना कुछ इस तरह के क्वेश्चन मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखे हैं। चाहे आप कैट की बात करो, चाहे आप बैंकिंग की बात करो, चाहे आप एसएससी की बात करो, चाहे आप 12th के बाद जितने भी एप्टीट्यूड एग्जाम्स है, आई एम रोहतक, आई एम इंदौर, डीयू, जैट, क्लैट, सिम्बॉयसिस, नारसिमोनजे, जितने भी आपके अलग अलग तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, मैंने ये क्वेश्चन हर जगह देखे। तो मैं चाहता हूँ आज ये आपको बहुत ही अच्छे से करा दूं, और जब भी आपके दोबारा भी आएंगे, मतलब ये इतने इंपॉर्टेंट है, ये हर बुक में भी दिए हुए हैं आपको, ये वाली टाइप तो करने ही करने हैं हमने अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैं यही चाहूंगा आपसे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, तो पहले खुद कोशिश कर लीजिए। नहीं आएगा समझ तो मैं करा ही रहा हूं, ठीक है जी? ओके, क्वेश्चन क्या है? बसेस स्टार्ट फ्रॉम ए बस टर्मिनल विद ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एट एन इंटरवल ऑफ 10 मिनट्स, ठीक है? हर 10 मिनट के बाद वहां से बस चलती है। सपोज बंदा यहां पे है, ठीक है, सुंदर सा बंदा बना देता हूं, ठीक है। सपोज ये अभी मोशन में नहीं है, स्पीड में नहीं है, और यहां पे बस टर्मिनल है कहीं पे, यहां पे ये बस स्टैंड कह लो, बस स्टैंड, ठीक है। हर 10 मिनट के बाद बस चल रही है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये बस स्टैंड इस बंदे से कितनी दूर है, ये इस तरह के क्वेश्चंस में बिल्कुल मैटर नहीं करता, ठीक है? चाहे बस स्टैंड आपका 10 किलोमीटर दूर है, चाहे 20 है, कोई इशू नहीं है। हमें मैटर कर रहा है कि बसेस कितने इंटरवल पे चल रही है। यहाँ पे बसेस कितने इंटरवल पे चल रही है प्यारे बच्चों? हर 10 मिनट के बाद चल रही है। मान लीजिए ये बसेस हैं आपकी, मैं बसेस को ग्रीन कलर में दिखा देता हूँ, ठीक है? और ये मैन की तरफ आ रही है, ये बस 1, बस 2, ऐसे 50,000 बसेस हो, हमें क्या मतलब है, जितनी मर्जी हो बसेस। तो ये तो श्योर है ना कि जो बसेस हैं इनकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, तो उनके बीच में जो टाइम गैप है वो 10-10 मिनट का है। अब इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि मैं इस बात से आपको क्या समझाना चाहता हूं। यानी कि सपोज ये बस 1 कह देता हूं इसको, मैं बस 1, इसको मैं बस 2 कह देता हूँ, पीछे से कोई बस 3 भी आ रही होगी, ठीक है, सभी स्पीड्स में है। मान लो किसी कारण से बस 1 रुक जाती है एकदम से, तो रुक गई या एक्सीडेंट हो गया, एक पर्टिकुलर प्लेस पे रुक गई, तो पीछे वाली बसेस कितनी कितनी देर में इसको क्रॉस करेंगी? यस, ये रुकी रही तो बस 2 भी पीछे से आके 10 मिनट में क्रॉस कर, जब ये रुकी उस पॉइंट के बाद 10 मिनट में बस 2 ने क्रॉस किया, फिर बस 3 भी आ रही थी पीछे से, उसने फिर 10 मिनट और लिए, मतलब पहली बस के क्रॉस करने के बाद, ये वाली है ना बस 2, जब इसने बस 1 को क्रॉस किया, उसके बाद बस 3 ने भी बस 1 को 10 मिनट के बाद फिर क्रॉस किया, फिर पीछे से हर बस 10-10 मिनट में क्रॉस कर रही है इस बस 1, ठीक है? तो ये इनके बीच में टाइम गैप है। बोलो ये बात आपको समझ आई या नहीं आई? ओके, मैं दोबारा से समझाता हूं। देखिए सपोज यहां पे बंदा है इनिशियल लेवल, ठीक है, और सपोज इस पॉइंट का नाम भी मैं दे देता हूं जहां पे ये बंदा खड़ा है, अभी स्पीड में नहीं है, ए कह देता हूं, इसको मैं बी कह देता हूं। पहली बस कभी ना कभी तो आके इसको मिलेगी पर्टिकुलर टाइम के बाद, ए पे बस 1 मिली इसको, ठीक है जी, मिल गई। वो तो डिपेंड करेगा ना, बस 1 तो इस बात पे डिपेंड करेगा ना कि बस स्टैंड कितनी दूर है, हमें इस बस स्टैंड के डिस्टेंस से मतलब भी नहीं है, बस 1 कभी ना कभी आके तो मिली इसको। उसके बाद अगर ये बंदा यहीं खड़ा रहे, मोशन में ना हो, स्पीड में ना हो, तो हर बस इस बंदे को कितनी देर में क्रॉस करेगी? यस, 10 मिनट में, अगर ये बंदा स्पीड में नहीं है। बोलो, लेकिन हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कि बंदा जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, टुवर्ड्स द बस टर्मिनल, कहीं ना कहीं बस टर्मिनल भी होगा, तो बंदा तो इधर जा रहा है और बसेस इधर जा रही है, समझे मेरी बात? तो अपोजिट डायरेक्शन, तो बस 1 तो यहां पे क्रॉस कर गई इसको। सपोज बस 2 जो है ना, वो थी, यानी कि जब बस 1 में, बस 1 ने ए पॉइंट पे बंदे को क्रॉस किया, तो बस 2 बी पे थी। इन बसेस के बीच गैप कितना प्यारे बच्चों? 10 मिनट का।
यानी कि अगर बस वन ने ए पे क्रॉस किया और मैन ए पे ही खड़ा रहे, ये जो मैन है, बस टू भी बी से ए तक आने में 10 मिनट ही लेगी, फिर दोबारा से 10 मिनट के बाद उस बंदे को क्रॉस करेगी, पीछे से एक और बस आ रही होगी बस थ्री, वो भी 10 मिनट में ही क्रॉस करेगी, समझे मेरी बात, 10-10 मिनट के टाइम इंटरवल है अगर बंदा खड़ा रहे। अब बंदा जो है ना इधर मूव कर रहा है और बस टू पीछे से आ रही है सपोज, तो इसने बस टू ने बंदे को पॉइंट कहीं ना कहीं, ये पॉइंट मैं सी ले लेता हूं, ठीक है, तो सी पे क्रॉस किया, तो कितनी देर लग रही है, तो 8-8 मिनट में एक क्रॉसिंग हो रही है, समझे। तो इसका मतलब बंदा ए से सी तक 8 मिनट में चल के आया। अब मुझे पता है कि बस टू को बी से ए तक जाने में अगर बंदा रुका होता तो 10 मिनट लगे थे, ये मैंने माना था पहले ही, ए पे बंदा खड़ा हुआ अगर, और मुझे ये पता लग गया कि बी से सी तक तो 8 ही मिनट लगेंगे अगर उधर से बंदा चल रहा है और इधर से बस चल रही है बस टू बंदे की तरफ और इधर से बंदा भी चल रहा है बस की तरफ, बस टू की तरफ, तो ये क्रॉसिंग 8 मिनट में हुई है दिया हुआ है, तो सी तक पहुंचने में बंदे को भी 8 मिनट लगे, समझे, और बस टू को भी सी तक पहुंचने में 8 मिनट लगे, लेकिन बी से ए तक तो बस को 10 मिनट लगते हैं, ये तो मुझे पता ही है, तो सी से ए तक बस को कितना टाइम लगेगा। अब सोचो बी से सी तक बस को 8 मिनट और बी से ए तक, देखो बी से ए तक 10 मिनट, तो सी से ए तक बस को 2 मिनट लगे, बस यही बात पकड़नी है आपने। अगर ये बात आपको समझ आ गई ना तो फिर तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। अब सी ए डिस्टेंस तो फिक्स है ना, ध्यान से देखो, ये सी से ए तक तो एक फिक्स डिस्टेंस है, उस फिक्स डिस्टेंस को, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, इस फिक्स डिस्टेंस को, सी ए डिस्टेंस को बस और मैन की बात हो रही है यहां पे, अगर इस सी ए डिस्टेंस को बस ने 2 मिनट में कवर किया तो मैन तो यहां तक आने में 8 मिनट लेगा, ठीक है, तो दिया ही हुआ 8-8 मिनट में क्रॉसिंग हो रही है, समझे, तो यहां तक कोई दिक्कत है, तो स्पीड का रेशो उल्टा होता है अगर डिस्टेंस फिक्स है, सी ए डिस्टेंस फिक्स है ना, सी ए डिस्टेंस आपका फिक्स है, तो अगर टाइम का रेशियो 2:8 है तो स्पीड का रेशियो 8:2 है, यानी कि 4:1 है, स्पीड का रेशियो 4:1 है। अब स्पीड बस की दे रखी है, मैन की दे रखी है, बस की दे रखी है 20, तो 4 की वैल्यू 20, तो 1 की वैल्यू 4×5=20, तो 1 की वैल्यू 1×5=5 किलोमीटर पर आवर उस मैन की स्पीड हो गई, ठीक है। दोबारा से सुनो, मैं दोबारा बताता हूँ, देखो अगर ये मेरे हाथ नजर आ रहे होंगे आपको, ठीक है, अगर बंदा यहीं खड़ा रहे तो हर बस उसको 10-10 मिनट में क्रॉस कर दी जाएगी, लेकिन अगर बंदा भी स्पीड में और वो भी बस टर्मिनल की तरफ, बसेस की तरफ, तो वो क्रॉसिंग 10 मिनट में नहीं होगी, अब वो 8 मिनट में हो रही है, मतलब अगर बंदा ए से सी तक 8 मिनट में पहुंचा तब जाके उसको पिछली बस मिली, समझे मेरी बात, इसका मतलब ए से सी तक जितना बंदे को टाइम लगा उधर से बी से सी तक बस को टाइम लगा, ये तो मैंने डायग्राम में दिखाया 8 मिनट, क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट तक मिलने में उनको 8 मिनट लगे, ठीक है, फिर डायग्राम में देखो यहां तक 8 मिनट लगे, तो अब बी से ए तक तो टाइम गैप 10 मिनट था बस इसके बीच में, है ना, तो बी से सी तक 8 मिनट है, तो पक्का सी से ए तक बस को जाने में 2 मिनट लगे, जो मैन को ए से सी तक आने में 8 मिनट लगे, यानी कि सी ए डिस्टेंस फिक्स है, और मैंने आपको पिछले कई वीडियोस में बताया और मैं एक्चुअल क्लास में भी आपको बताता हूं, आप लिख लीजिए दोबारा से, व्हेनेवर डिस्टेंस इज फिक्स स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, मतलब जो टाइम का रेशियो होगा स्पीड का रेशियो उल्टा, तो सेम डिस्टेंस के लिए बस ने 2 मिनट लिए तो मैन ने सेम डिस्टेंस के लिए 8 मिनट लिए, तो उल्टा स्पीड का रेशियो हो जाएगा 8:2, 4:1, और इनमें से फिर 4 की वैल्यू दी हुई है, तो एग्जाम में उल्टा भी हो सकता है, 1 की वैल्यू भी दे सकता है, तो 4 की वैल्यू 20 है, तो 1 की वैल्यू बेटा कितनी हो गई, 5 किलोमीटर, 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैन की स्पीड। आई होप आपको ये मेथड अच्छे से समझ आया होगा, आप इसको एक दो बार फिर से देख लेना, थोड़ा सा तो कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैंने आपको इतने
डिटेल में बता दिया ये क्वेश्चन, आपको फिर दिक्कत नहीं होने वाली है। अब आप कहोगे कि सर आप ऐसे मत कराओ, आप ये कहो कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि वैसे तो 10-10 मिनट के गैप में मिलती है, लेकिन मैन जब बस की तरफ आ रहा है तो 8 मिनट में मिल रही है, तो आप डायरेक्ट एक शॉर्टकट बना लो, आप बना लो बेटा 10 में से 8 गए 2, डायरेक्ट ये डिफरेंस लेना है, समझे, और वो 8 पड़ा हुआ है, तो डायरेक्ट आप एक शॉर्टकट बना सकते हो, इससे आप डायरेक्ट बस और मैन की स्पीड का रेशियो निकाल सकते हो। लेकिन ये तो एक रट्टा मारने वाली बात होगी, मैं चाहता हूं आप रट्टा ना मारो, आप पहले समझो, ठीक है, समझ आ गया, फिर आप एग्जाम में डायरेक्ट कर सकते हो कि सर 10 में से 8 गए 2 तो हो जाएगी सर आपकी मैन की स्पीड, और जो 8-8 मिनट में मिल रहे हैं वो हो जाएगी बस की स्पीड। लेकिन ऐसे रट्टे मारने से कोई फायदा नहीं है जब तक आपको चीजों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है। बुक्स में ऐसे शॉर्टकट मिल जाएंगे और बच्चा परेशान रहता है कि यार ये मेरे से क्वेश्चन हो ही नहीं, समझ नहीं आ रहा, ये तो रट्टा लगवाया था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी क्वेश्चन को मैं आपको दूसरे मेथड से करके दिखाता हूं, वो भी आपको ऑलरेडी आता है, ये चीजें सारी आती है, वही मैंने एक पॉइंट बी लिया और एक पॉइंट ए लिया, ए पे मैंने मैन को खड़ा किया, अगर मैन रुका हुआ है तो बस तो फिर हर 10-10 मिनट में इसको क्रॉस करेगी, है ना। अगर मैन स्पीड में आए फिर ठीक है, मैन इधर जा रहा था पहली बस इसको ए पे मिली तो मैन इधर जा रहा था तो फिर दूसरी बस 8 मिनट के बाद मिली, यही है ना, वो सपोज वो सी पे मिली, सपोज मैन की स्पीड हमें निकालनी है तो मैंने मैन की स्पीड एक्स किलोमीटर पर आवर मान ली, तो आप ए बी डिस्टेंस बस और मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालना चाहते हो तो चलो पहले तो मुझे ये बताओ बस की स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, सपोज बस 2 बी पे खड़ी है उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर बस 2, ऐसे पीछे बस 3 भी होगी, 10-10 मिनट के टाइम इंटरवल है। अच्छा तो अगर बंदा चल रहा है ये और ये बस इधर आ रही है तो ये क्रॉसिंग 8 मिनट में हुई, यानी कि बस को यहां से यहां आने में 8 मिनट लगे और बंदे को यहां से यहां आने में 8 मिनट लगे, ठीक है। तो अगर मैं ये डिस्टेंस टोटल निकालना चाहूं तो सर आप कहोगे सर बीसी डिस्टेंस और एसी डिस्टेंस निकाल लो और ऐड कर लो तो आपको ए भी मिल जाएगा। अब मुझे बताओ बीसी डिस्टेंस क्या है, 20 की स्पीड और 8 मिनट टाइम, बाद में इसको घंटे में बदलूंगा चिंता मत करना, और इधर से बंदे की स्पीड एक्स की स्पीड और 8 मिनट टाइम, तो 8 कॉमन आ गया 20 प्लस एक्स इंटू 8 मिनट्स, ध्यान रखना ये 20 प्लस एक्स किलोमीटर पर आर में और टाइम 8 मिनट है, ध्यान रखना है आपने एक बात, ठीक है। तो ये कौन सा डिस्टेंस आया प्यारे बच्चों, ए बी डिस्टेंस आया। फिर आप कहोगे सर ये ए बी डिस्टेंस तो मैं डायरेक्ट यूं भी निकाल सकता था कि बस को बी से ए तक जाने में 10 मिनट लगते हैं और स्पीड है 20 और 10 मिनट में बी से ए तक पहुंच सकती है, क्योंकि अगर बंदा रुका हुआ होता तो ये क्रॉसिंग तो 10-10 मिनट में तो हो ही रही है ना, 10 मिनट। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर मिनट के आर बनाइए, बना सकते हो, ये मिनट हटाओगे तो नीचे 60 करके ये आर में कन्वर्ट हो गया, ये मिनट हटाओगे तो नीचे 60 करके ये आर में कन्वर्ट हो गया। अब x की वैल्यू निकाल लो तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू निकालो तो तब भी 5 ही आएगा, ये 60 से 60 कट गया, 4 दुनी 8, 4 पंजे 20, 50 ये इधर हुआ और 2 इंटू 20 40 प्लस 2x, 2x की वैल्यू 10 तो x की वैल्यू 5 ही आ रही है बेटा। आप इस मेथड से भी कर सकते थे, तब भी आंसर में कोई चेंज नहीं आना था, बंदे की जो स्पीड है ये ना, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द मैन कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, वो 5 ही रहती। आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देख लेना, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे आज, क्योंकि मैंने इससे मिलते जुलते और बुलेट वाले क्वेश्चन भी लिए हैं जो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे ही काम करेंगे। आइए वो अभी मैं कराता हूँ, पहले बस वाला दूसरा क्वेश्चन। अब जरूरी नहीं है ना कि मैन जो है बसेस की तरफ आ रहा हो, मैन बसेस से अवे भी तो जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ, तो मैं आपको अब दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूं। तो आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेके समझ नहीं आता आपको फिर मैं आपको कराऊंगा ही कराऊंगा, मैंने तो आपको कभी मना किया ही नहीं। आइए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, क्या है, द बसेस आर डिपार्टेड आफ्टर एवरी 20 मिनट, फिर वही 20-20 मिनट, समझे मेरी बात, कहीं पे भी बस टर्मिनल हो सकता है उससे कोई फर्क नहीं है,
वो जो बसेस चलती जा रही है बहुत सारी, उनके बीच टाइम गैप कितना है बेटा? 20 मिनट। मतलब एक भी बस रुक जाए, पीछे से जितनी भी बसेस आ रही हैं वो 20-20 मिनट के टाइम गैप पे उस रुकी बस को क्रॉस करेगी। ऐसे थिंकिंग बनाओ, आपको बहुत ही जल्दी समझ आएगा। लेकिन जो बंदा है ना, वो अब अवे जा रहा है, अब अवे जा रहा है तो जल्दी नहीं मिलेगा आप 20 मिनट से, अब 20 मिनट से थोड़ा देर मिलेगा। तो चीज वही है। देखो सपोज वही मैं पॉइंट्स ले लेता हूं आपके लिए। यहाँ पे ए पे बंदा है, बी पे बस टू है, बस वन सपोज यहाँ पे है, बस टू यहाँ पे है, कुछ भी ले सकते हो आप, उससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, बस थ्री ले लेते तो, या ए पे बस टू ले लेते तो, बहुत सारी बसेस हैं क्रॉस करती जा रही है। अगर तो बंदा ए पे रुका होता, ये बंदा है, अगर तो ये ए पे रुका होता, फिर तो हर बस इसको कितने कितने गैप में कवर कर रही है? 20-20 मिनट के गैप में क्रॉस कर रही है। लेकिन बंदा भी इधर जा रहा है। ठीक है, सपोज जब पहली बस ने क्रॉस किया तो बंदा ए पे था और बंदा इधर मूव कर रहा है अवे। पहली बस तो क्रॉस करते ही आगे निकल गई, बस की स्पीड ज्यादा है ना इसमें। ठीक है, पीछे से और बसेस आ रही हैं, वो तो पता नहीं कहाँ पहुंच गई होगी। अब दूसरी बस ने आके सपोज इस पॉइंट डी पे क्रॉस किया, जो बस टू थी ना, बस टू जब बी पे थी तो बस वन ए पे थी, जब पहली क्रॉसिंग हुई थी बस वन की, उसके बाद बस वन तो आगे निकल गई। अब बस टू जब बी से पूरा डी तक कवर करके आई है, समझे मेरी बात, तो बस टू को कितने मिनट लग रहे हैं? 24 मिनट। जबकि बंदा ए से डी 24 मिनट में गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर बंदा यहीं खड़ा होता फिर तो बस को बी से ए तक आने में 20 ही मिनट लग रहे हैं, ये तो क्वेश्चन के अंदर हमें पता लग ही रहा है। जो आगे वाला टाइम है ए से डी, वो बस ने 4 मिनट में ही कवर कर लिया। इसका मतलब फिर वही बात है, 80 डिस्टेंस तो फिक्स है। 80 डिस्टेंस क्या है प्यारे बच्चों? फिक्स है। तो अब आप डायरेक्ट माइंड में सोच सकते हो कि बस और मैन, बस जो 80 डिस्टेंस 4 मिनट में कवर कर रही है, मैन वो डिस्टेंस 80 24 मिनट में कवर कर रहा है। ये टाइम का रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो उल्टा होगा। व्हेन एवर डिस्टेंस इज फिक्स, तो 24:4, तो ये 6:1 आ गया प्यारे बच्चों। अब ये 6 की वैल्यू दे रखी है या 1 की दे रखी है वो देखना पड़ेगा। फाइंड द स्पीड ऑफ द बसेज, इफ स्पीड ऑफ मैन इज 30, मैन की वैल्यू दे रखी है, 1 की वैल्यू दे रखी है, मैन की स्पीड 30, 1 की वैल्यू 30, तो 6 की वैल्यू 180 किलोमीटर पर आवर। अब वो एक्स मान के भी कर ही सकते हो, लेकिन अब आप ऐसे ही करो, इससे आपको ज्यादा इजी लगेगा। जी बोलो, समझ आया अच्छे से? अब मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चंस की तरफ, बुलेट वाला, जो वो भी बहुत बार आया हुआ है। बेटा बुलेट वाले क्वेश्चन में ना एक बात याद रखना, इससे आपको ना कंफ्यूजन नहीं होगी। मैंने भी जब, शायद मुझे याद आ रहा है कि 11th या 12th में मैंने एनडीए की तैयारी करी थी, तब ऐसे क्वेश्चन आया करते थे। ठीक है, तो मैंने जब पहली बार किया तो मुझे इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन हुई, तो फिर मैंने इसका एक तोड़ निकाला कि भैया गोली नहीं चल रही, गोली आपकी तरफ नहीं आ रही, गोली की साउंड आ रही है। पिछले क्वेश्चन में बसेस के बीच में इंटरवल था, यहाँ पे उस गोली की साउंड के बीच में इंटरवल है। अब गोलियां तो दो गोलियां भी चला सकते हो, तीन भी चला सकते हो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद। सपोज तीन गोलियां चलाई, S1 S2 S3, उनके बीच में इस क्वेश्चन के हिसाब से 10 मिनट 30 सेकंड का गैप है। समझे मेरी बात? जैसे पिछले क्वेश्चन में बसेस चल रही थी, इसमें गोलियों का गैप नहीं है। पहली बात तो गोलियों की साउंड का गैप है, साउंड की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही। कॉन्सेप्ट वही है बस वाला ही। देखो वही मैं उसी लॉजिक से ही आपको समझाता हूं। सपोज मैंने यहां बी पॉइंट लिया, गोलियां तो पता नहीं कहीं से भी चल रही होंगी, हमें क्या मतलब है कि गोली कितनी दूर से चली, इससे मतलब नहीं है। सपोज यहां पे बंदा है ए पे, उस बंदे को भी बना देता हूं ये लो। तो अगर तो ये बंदा यहीं का यहीं खड़ा रहता, गोली की साउंड मान लो, पहली गोली की साउंड मिलती है इसको कुछ टाइम के बाद। ठीक है, साउंड वन कह रहा हूं मैं, बस वन की जगह इसको क्या बोल रहा हूं? साउंड वन। तो जो साउंड टू है ना, साउंड टू, बस गोली टू नहीं, साउंड टू, दूसरी गोली की साउंड, वो यहां पे है।
और ऐसे तीसरी गोली चली होती तो तीसरी गोली की साउंड, जितनी गोलियां मर्जी चली हो, इस क्वेश्चन में कितनी गोलियां चली हैं प्यारे बच्चों, दो चली हैं, ठीक है, उनकी साउंड की बात हो रही है। अगर तो बंदा यहीं खड़ा रहता तो उसको हर 10 मिनट 30 सेकंड के बाद वो साउंड सुनाई दे, लेकिन वो बंदा या तो उस डायरेक्शन में जा सकता है जिस जहां से आवाज आ रही है या उससे अवे जा सकता है। अभी इस क्वेश्चन में तो बंदा जो है ट्रेन के अंदर है, चलो इस क्वेश्चन में बंदा ट्रेन के अंदर है, ठीक है, बंदा ट्रेन के अंदर है, तो जो ट्रेन की स्पीड होगी वही बंदे की स्पीड होगी, वो बैठा हुआ है उसके अंदर, उसी सिस्टम में बैठा हुआ, तो ट्रेन की स्पीड और बंदे की स्पीड एक ही बात होगी, यहाँ अंदर ट्रेन के अंदर बैठा हुआ, ठीक है, तो वही लॉजिक है सेम बेटा। सपोज ट्रेन अगर मूव रुकी होती फिर तो 10 मिनट 30 सेकंड के बाद उसको साउंड सुनाई देती रहती, लेकिन ट्रेन रुकी नहीं हुई, ट्रेन यहां से यहां तक सी तक गई है और साउंड ये यहां से यहां तक आई है, साउंड को यहां से यहां तक पहुंचने में तो 10 मिनट 30 सेकंड लगते हैं, क्योंकि ट्रेन अप्रोच कर रही है और 10 मिनट में मिल रही है साउंड को, तो ट्रेन को यहां से यहां तक 10 मिनट और इस गोली की साउंड को यहां से यहां तक 10 मिनट, तो आगे सी से ए तक गोली की साउंड को जाने में 30 सेकंड यानी कि आधा मिनट भी कह सकते हो आप उसको, मैं कलर वो ले लेता हूं, शायद आपको कलर में दिक्कत ना आ रही इतने सारे, 30 सेकंड या आप इसको आधा मिनट भी बोल सकते हो, ठीक है। अब बिल्कुल पिछले वाले की तरह हो गया, बिल्कुल यहां पे आप लिख लो साउंड की स्पीड, ठीक है, यहां पे लिख लो मैन या उस ट्रेन की स्पीड जिसमें मैन बैठा हुआ, ठीक है, पहले टाइम लिखूंगा और फिर स्पीड लिखूंगा, जो डिस्टेंस सी ए साउंड ने आधे मिनट में ही कवर कर दिया, वही डिस्टेंस सी ए सी या सी ए ट्रेन ने 10 मिनट में कवर किया है ना, ये दिया हुआ ना 10 10 मिनट में मिलती है अगर ट्रेन मूव कर रही है टुवर्ड्स द साउंड, ठीक है, तो उल्टा रेशो हो जाता है बेटा स्पीड का, हा 10 रेशो आधा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10 रेशो आधा का मतलब होता है 20 रेशो ए, इनकी स्पीड का रेशियो हो गया, किसकी साउंड की और किसकी बेटा ट्रेन की। अब किसी एक चीज की स्पीड दे रखी होगी, किसकी दे रखी है साउंड की 330 मीटर पर सेकेंड, तो 20 की वैल्यू बेटा 330 है, ठीक है, तो कहीं कहां करूं मैं, यहां कर देता हूं, यहां 20 यूनिट की वैल्यू 330 है बेटा मीटर पर सेकंड में, ध्यान रखना, तो 1 यूनिट की वैल्यू 330 अपॉन 20 हो गई, यहां तक आया ये मीटर पर सेकंड में आया, तो जो ट्रेन की स्पीड 1 यूनिट ही है देखो ये मीटर पर सेकंड में आई, अब मीटर पर सेकंड के किलोमीटर पर आर कैसे बनाते हो, इनटू 18/5, तो इसको सॉल्व कर लो, क्या 59.4 आ रहा है या नहीं आ रहा, मुझे जल्दी बताओ, आ जाएगा अगर आप ये जीरो से जीरो काट देते हो और 18 से मल्टीप्लाई करते हो 33 को, तो 18 3 54 प्लस 54 594 बटे 10 भी है, मैं इधर लिख देता हूँ 594 बटे 10 आया और ये किलोमीटर पर आर में आया, तो आंसर हो गया 59.4 किलोमीटर पर आर, ठीक है जी। तो अब आप बेशक भले ही कोई शॉर्टकट बना लो या वैसे ही आप लॉजिकली सोचो कि भैया यहां से यहां तक जाने में ट्रेन को 10 मिनट और यहां से यहां जाने में उसी डिस्टेंस को कवर करने में साउंड को आधा मिनट, तो स्पीड का रेशियो जो हो गया 20:1 हो गया साउंड टू ट्रेन, 20 की वैल्यू 330 दी हुई थी, 1 की वैल्यू निकाली 330/20, ये मीटर पर सेकंड में है, मीटर पर सेकंड के किलोमीटर पर आर बनाने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका अच्छे से हो गया, आई थिंक लंबे मेथड से तो आप कर ही लोगे, मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता दी। अब चौथा क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ, अब तो आप कहोगे सर ये तो हम निकाल ही लेंगे, निकालोगे, चलो करते हैं, आइए यहाँ पे वही बी पॉइंट जहां पे कोई साउंड टू होगी और यहाँ पे ए पॉइंट जहां पे साउंड वन होगी, ठीक है, और यहाँ पे बंदा, अगर बंदा रुका होता तो जितनी भी साउंड्स हैं, अगर ये रुका रहे तो जितनी भी साउंड्स हैं कितनी देर में क्रॉस करेंगी, 28 मिनट में, है ना, जितनी भी साउंड्स हैं गोली की जो भी गोलियां चल रही हैं, लेकिन बंदा ना अवे जा रहा है, अब क्या हो रहा है
उसको साउंड फिर थोड़ी देर में सुनाई देगी, दूसरी जो पिछली साउंड आ रही है वो कितने इंटरवल में सुनाई दे रही है, 30-30 मिनट। साउंड वन जैसे ही सुनी वो तो आगे चली गई साउंड वन, अब मैं पिछली साउंड टू की बात कर रहा हूँ, तो सपोज साउंड टू उसको डी पे आके मिली, तो यहां से यहां तक साउंड टू ने 30 मिनट लिए अगर, तो यहां से यहां तक बंदे ने भी 30 मिनट लिए, ठीक है। जबकि मुझे पता है कि बी से ए तक साउंड जो है अगर बंदा रुका हो तो 28 मिनट में ही पहुंच जाती है ना, ये मैंने आपको बताई थी बात, ये दिया भी हुआ है। तो पक्का ए से डी तक साउंड को जाने में 2 मिनट लगे। अब वही बात है, डिस्टेंस फिक्स है, साउंड जो डिस्टेंस 2 मिनट में कवर कर रही है, बंदा या उस ट्रेन में बैठा हुआ बंदा वो 30 मिनट में कवर कर रही है ट्रेन, ठीक है। तो 2 और 30 का रेशो शक्ल से ही पता लग रहा है, 1:15 टाइम का रेशो है, तो स्पीड का रेशो हो गया साउंड टू ट्रेन उल्टा 15:1। क्यों? 2 मिनट और 30 का रेशो 1:15 टाइम का है ना, तो उल्टा स्पीड का होता है। डायरेक्ट मैंने अब स्पीड का लिख दिया क्योंकि आपकी अब प्रैक्टिस हो चुकी है। अब किसकी वैल्यू दी हुई है देखो, ट्रेन की स्पीड की वैल्यू दी हुई है, 1 की वैल्यू 20 है, 15 की वैल्यू 15 × 20 300 किलोमीटर पर आवर, 15 × 20 कितना होता है 300 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन में साउंड की स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर है, तो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग हो सकती है, यानी कि आसपास ही होती है। एक्चुअल में क्या होता है, अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा हो तो साउंड की स्पीड टेम्परेचर पे डिपेंड करती है उस पर्टिकुलर प्लेस के, इसलिए थोड़ा थोड़ा गैप होता है। कई क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड में दे रखी होती है 330 मीटर पर सेकंड, उसके किलोमीटर पर आर कुछ हो रहेंगे, यहाँ पे किलोमीटर पर आर 300 किलोमीटर पर आर है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो क्वेश्चन के डेटा से मतलब है। हम ये नहीं समझ लेंगे कि साउंड की स्पीड फिक्स ही होती है, वो डिपेंड करती है प्लेसेस के टेम्परेचर, ठीक है जी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आए होंगे, क्योंकि ये अक्सर बहुत बच्चों का डाउट रहता है, तो मैंने आज आपको अच्छे से क्लियर कर दिया। खासकर ये साउंड और बुलेट वाला क्वेश्चन आए ना, तो आप बसेस से रिलेट कर लेना, जैसे बसेस चलती जा रही थी तो उनके बीच वो टाइम इंटरवल था, ऐसे ही साउंड भी चलती जा रही है, पहली गोली की साउंड, दूसरी गोली की साउंड, वो भी चलती जा रही है, तो उनके बीच में भी एक टाइम गैप दिया होगा, गोली के बीच टाइम गैप नहीं है, उनकी साउंड के बीच है। ये कंफ्यूजन बहुत बच्चों को रहती है, तो माइंड में ना वो पिक्चर नहीं बन पाती। मैंने आपको बताया, मैं छोटा था मुझे भी बहुत कंफ्यूजन होती थी, कोई नहीं, इसी जिस कंफ्यूजन को मैंने अपने बचपन में फेस किया हुआ है, मैं आपको फेस नहीं करने दूंगा। आप मेरे बाकी वीडियोस भी देखोगे तो आप समझ जाओगे कि मैंने अपने टाइम पे इन चीजों पे बहुत मेहनत कर रखी है, और वो मेहनत आपको भी बहुत काम आएगी, ठीक है। मेरा पर्पस ही यही है कि इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जो भी वीडियोस देख रहे होंगे कभी ना कभी, उनको मैं अच्छे से अच्छी नॉलेज दे पाऊं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। और मैंने आपको कई वीडियोस में अपना नंबर भी दे रखा है, वहां से नंबर लेके आप व्हाट्सएप कर देना, और आपके डाउट्स मैं धीरे धीरे सॉल्व कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।